बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिस सहार हेयर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल एंड हेयर कम्स योर स्कूल। आई नो यू ऑल आर मिसिंग योर स्कूल वेरी मच, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स एंड एडमिन एज वेल। बेटा, हम भी आपको बिल्कुल उसी तरह मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप तमाम लोग सेहत और तंदुरुस्ती के साथ स्कूल वापस आएँ और उसी तरह हमारा सेशन स्टार्ट हो जिस तरह हुआ करता था, न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू यूनिफॉर्म्स के साथ। बट कोई बात नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह स्टिल वी आर टुगेदर विद दिस वर्चुअल क्लास। और स्कूल के ग्लिम्स आपको यकीनन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मुझे पता है। सो इन्जॉय देम एंड आई स्ट्रॉन्गली वेलकम यू इन द न्यू सेशन, न्यू क्लास एंड द न्यू बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। और डेफिनेटली जब स्कूल आ गए हैं तो पढ़ना तो होगा, तो गेस करें हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक फॉर योर न्यू सोशल स्टडीज़ बुक एंड हियर इट इज़। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक। और लेसन स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक सम रिव्यू ऑफ what basically social studies is. Social studies simply means study of the society. Social studies में हम society के बारे में study करते हैं। और अगर मैं society के meanings अब आपको बताऊँ तो इसको generalize करते हैं हम, this simply means community or a large group of people who share the same interest. Society लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और वो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं या सेम लॉज शेयर करते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर करते हैं, उनको हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी एक बहुत बड़े स्केल पर होती है बेटा, राइट। नाउ सोशल स्टडीज़ हैज़ थ्री ब्रांचेस। कौन कौन सी हैं वो थ्री ब्रांचेस आपको यकीनन याद होगा, इन विच नंबर वन इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के सिंपल मीनिंग्स क्या है, दिस इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में क्वेरी करना, क्वेश्चन करना कहलाता है हिस्ट्री। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ थर्स्ट और ही वांट्स टू नो अबाउट हिज पास्ट, हिज कंट्री पास्ट, हिज फैमिलीज पास्ट और हिज वर्ल्ड्स पास्ट। यानी कि हम हर चीज़ का पास्ट जानना चाहते हैं, ये हमारी थर्स्ट होती है। वो लोग जो सोशल स्टडीज़ को बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, सोशल स्टडीज़ हैज़ नेवर बीन अ बोरिंग सब्जेक्ट बेटा। जब जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो बोरिंग कैसे हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स ब्रांच नंबर टू, दैट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स स्टडी अबाउट द अर्थ और द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड, which are present on the earth, जिसमें earth, land, earth के features, climate, ये तमाम चीज़ें हम study करते हैं बेटा। And the last branch is humanities, in other words it is called civics। इसमें हम, जैसे कि आपको इसके नाम से ही नज़र आ रहा होगा, इसमें हम human rights and duties के बारे में most probably पढ़ते हैं। Now let's move forward towards your lesson, unit number one, the universe and solar system। इस लेसन में बेटा हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज बेटा ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम, देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल द एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड द यूनिवर्स। Means whatever you can see, feel or touch includes in the universe. अब इस universe में बेटा आज की science जितने भी objects discover कर सकी है या उस universe को study कर सकी है, उनमें से कुछ इंशाल्लाह हम इस topic में further discuss करेंगे बेटा। सबसे पहले एक word जिस universe से related आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, that is the space. Let's see the definition of space. Beta, it is simply the near vacuum between the objects of the universe.
यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनके बीच की जो ब्लैंक स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? स्पेस का नाम देते हैं। और हमारी अर्थ से हम जितनी स्पेस यानी कि जितनी खाली जगह देख सकते हैं आसमान तक, वो तमाम को हम क्या कहते हैं? आउटर स्पेस कहते हैं। ऑलराइट। और इसी स्पेस में बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमने बात की, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अर्थ और सन, मून, स्टार्स, दे ऑल आर कॉल्ड द कैलेस्टियल बॉडीज, यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में मौजूद हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ऑलराइट। नाउ लेट्स हैव एन इंट्रो ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले तो सोलर सिस्टम क्या है और ये कैसे फॉर्म हुआ था हम सबसे पहले ये जानते हैं, देन वी विल हैव अ डिटेल्ड लुक ऑन द सोलर सिस्टम। सम ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कोलैप्स ऑफ अ जाइंट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस कॉल्ड सोलर नेब्यूला। सोलर नेब्यूला क्या चीज़ थी? एक बहुत बड़ा गैस का जायंट रोटेटिंग क्लाउड था जिसके कोलैप्स होने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा मानते हैं कि सोलर सिस्टम के कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए। राइट। सोलर नेब्यूला के कोलैप्स होने की वजह से। गॉट इट। यू मस्ट हैव सीन these planets and studied about them very well, that there are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. बेटा इंशाल्लाह फर्दर इन प्लैनेट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट, बट बिफोर दैट टेक अ लुक ऑफ योर कॉपी। दिस इज योर सोशल स्टडीज कॉपी बेटा। डोंट फॉरगेट टू कवर इट विथ प्लास्टिक। और अगर आपने बेटा कहीं बाहर से कॉपी परचेज की है तो उसके ऊपर आपको वाइट कवर के साथ प्लास्टिक कवर करना है, और उस कॉपी के टॉप पे, टॉप कवर पे और इनसाइड दैट कॉपी जो फर्स्ट पेज होता है उस पे नेमिंग करना नहीं भूलिएगा। दोनों जगह नेमिंग करना कंपल्सरी है। ऑलराइट। एंड देन यू कैन सी द इंडेक्स पेज देयर बेटा। इंडेक्स पेज आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है? आपको डेट, चैप्टर या टॉपिक का नाम एंड देन पेज नंबर यू हैव टू मेंशन देयर। फिर जब आप कॉपीज चेक करने के लिए लाएंगे तो टीचर उस पर इनिशियल करेगी, एंड देन यू हैव टू गेट योर पेरेंट्स इनिशियल एज वेल। देन डोंट फॉरगेट टू डू पेजिंग इन योर कॉपी। हाउ विल यू डू द पेजिंग बेटा? कॉपी के बिल्कुल बॉटम में आपने ऑल्टरनेट पेजेस पे इस तरह से नंबरिंग करनी है, लाइक 1, 3, 5, 7 and 9। इन दिस वे यू कैन डू योर पेजिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क असाइनमेंट। सी व्हाट यू हैव टू डू इन योर कॉपी, बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड आउट चैप्टर नंबर 1, जिसका सिर्फ पेज नंबर 1 आपको रीड आउट करना है बेटा, क्योंकि मैंने सिर्फ पेज नंबर 1 हाफ एक्सप्लेन किया है आपको। और राइट, उसको खुद भी रीड आउट करें एक दफ़ा लेसन को, ताकि आपको थॉरली समझ में आ सके। देन बेटा यू हैव टू डू एक्सरसाइज ए एंड बी इन योर कॉपी, इन योर बुक। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू डू पेजिंग एंड प्रिपेयर इंडेक्स। But before that, don't forget to do paging and prepare index. All right, and you also have to make title pages, beta, for the month of August and the chapter names title page. Thank you so much. Fi Amanullah.